मेरी मम्मी ने क्या भिजवाया दिखाती हूँ, ये देखिए सूजी के सिंगल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो तो ये वाले सीजन में ना जो हमारे दुपट्टे के पास रौनके का पेड़ है उसमें इतने सुंदर फूल खिल के आते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे दोस्तों हमारे घर में आई हुई है सगुनिया, कहती है हार्ट वाली डेयरी मिल्क खिलाना मुझे, मैंने नहीं खाई आज तक, इसको खिलाऊं मैं? बाबा मैं तो यहाँ पानी देने आई थी, यहाँ मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, क्या ही देख लिया मैंने, देखो ये देखो। दोस्तों कितने टाइम के बाद आज अनाया के नाम का जो राशन होता है ना वो आ रखा है, गेहूं और चावल, क्योंकि अनाया बड़ी हो गई है तो बाबा तो भाभी लेके आई है मटर इतने सारे खेत के, और ये घर के ही मटर है। थैंक यू। कहाँ जा रही है नू? बाय अनु, बाय अनु। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से स्वागत है, आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह दिन के टाइम से, सुबह नहीं है दिन का टाइम है, और ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसलिए कर रही हूँ, आप मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे होंगे, कुछ खुशी की बात है, हर किसान के लिए खुशी की बात है। 6 महीने 7 महीने हो गए बारिश नहीं हो रखी थी, पानी के बिना ऐसी हालत हो रही थी, अगर यहाँ पे कुआं नहीं होता ना जहाँ से हम सुबह पानी लाते हैं, यहाँ पे अगर कुआं नहीं होता तो पता नहीं क्या हालत हुए होते, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और आज बारिश के साथ इतने बड़े बड़े डाल गिर रहे हैं। अभी डाल काम के तो होते नहीं है, ये सब नुकसान ही करते हैं और कुछ काम भी नहीं है। ये मम्मी जी आ गई है और मौसम भी दिखाती हूँ आपको, चलो फिर किस बात की देर है। तो ये देखो बारिश, अरे ये तो मम्मी जी भी आ गई हैं। मम्मी है। देखिए आप लोगों ने बारिश के साथ ना इतने बड़े बड़े ओले आ रहे हैं, जो किसान है ना उनका काम स्टार्ट हो गया, अभी तक रेस्ट में थे, पानी नहीं था इस वजह से, लेकिन अब बारिश हो गई है, अब सारी फसल एक साथ लगेगी, आलू अच्छे से हो जाएंगे और सीमी हो गई, मूली हो गई, मतलब इतनी सारी फसल लगनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी इकट्ठे, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई थी। अदरक लगेगी, क्या क्या नहीं लगेगा अभी देखते जाइए वीडियो में। ये भी उठ गई है, ये बाबू बारिश आ रही है, बारिश अनु बारिश हो रही है, जी सो के उठी है, बारिश नहीं बाऊ छू छोई थी सुबह से, चलो चाय बनाते हैं मम्मी जी के लिए। दोस्तों यार मैं निराश हो गई हूँ यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना यार, ना यार ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, धूप आ गई। एक पल की ये कहानी सुनो, नहीं पानी में हाथ मत डालना, जैसा हमने सोचा था वो बिल्कुल ही नहीं हुआ, बारिश से सीधे धूप आ गई, वो भी इतनी चटकीली, अभी लग रहा है कि धूप बारिश बिल्कुल भी नहीं आएगी, 90% बारिश बता रखी थी, लेकिन ना पोपट हो गया है, थोड़ी सी बारिश आई है और तो सब कुछ गीला तो कर गई, लेकिन कितना खुश हुई थी मैं तो, बट कोई बात नहीं, चलो कहाँ जा रही है नू? बाय अनु, बाय अनु, बाय बाय, दुकान में ले चलो बल मुझे। दोस्तों मम्मी जी मेरे मायके की तरफ जा रही है और गाड़ी रोक रही है, गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं पिकअप में, उसी को रोकने में लगी है, मैंने कहा यार कहाँ बैठोगे, चलो गाड़ी तो मिल गई है, अनु आ जा बुढ़िया, चली गई आमा, आमा गई नीले गई जा, पहले तो ब्लॉग बनाओ कहती हैं फिर दौड़ लगा देती हैं, रुको रुको बाय कहो, बाय तो कह दी तो गाइस यहाँ पे दोस्तों हमारे घर में आई हुई है सगुनिया, कहती है हार्ट वाली डेयरी मिल्क खिलाना मुझे, मैंने नहीं खाई आज तक, इसको खिलाऊं मैं, कहाँ से खिलाऊं मैं तुझे हार्ट वाली डेयरी मिल्क, दुकान से आपकी बच्ची आ गई, आपकी लड़की आ गई, मैं इसको भी ना खिलाऊं। चाय बन रही है, मम्मी जी आ चुकी है और मौसम में फिर बदलाव हो गया है, बारिश का मौसम हो गया, लेकिन बारिश हो नहीं पा रही है, बंद कर दिया। तो भाभी लेके आई है मटर इतने सारे खेत के, और ये घर के ही मटर है। थैंक यू, वेलकम। इनको वीडियो में भी आना था, एस कर दी। हेलो गाइस, अब तुम अपने घर एक टीवी में देखी जा रहा, हाँ आज देख लो, कब देख लो आज ना यार, 2-3 दिन बाद, ठीक है बाय बाय।
आए बाजार खा ली थे। ठीक है बाय। भाभी चली गई हैं और अभी हम बनाते हैं शाम का खाना। चलो छोड़ के आ गए। देखो अभी अभी अनाया ने क्या लगाया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्ताज बोलते कि क्या बोलते हैं, बोल रही मेरे हाथ में भी लगाओ, मैंने लगाया ना इसके, अब बोल रही मेरे हाथ में भी लगाओ, मैंने लगा दिया, अच्छी लग रही है ना। वाव वाव आपको अच्छा लगा, थैंक यू बोलो, ये थैंक यू, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, हाँ ये सॉरी, हाथ दिखा दो अपने, हैंड्स दिखा दो, अनु हाथ दिखाओ, नौटंकी नौटंकी, इतने ड्रामे, अच्छा आपके इतने ड्रामे, हाथ दिखा दो, वाव दिखाओ, वाव तो दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, वाव कितना सुंदर लग रही है तू। बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग हुई। ए गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से स्वागत है, आप सब भी एकदम बढ़िया होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह से हो रही है और फिलहाल पानी वगैरह भर लिया है, नाश्ता कुछ नहीं बनाया, बनाते हैं। और इसको देखो, कल बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा साफ हो रखा है और ठंडा भी हो रहा है। ये देखो यहाँ से सिर्फ इतना ही दिखता है, आगे से दिखता है अच्छा खासा व्यू। तो मम्मी जी तैयार हो रही है रामेश्वर जाने के लिए, उनको ना कल परसों जहाँ पे बरसी थी उसके बाद शुद्धिकरण के लिए जाते हैं कहीं धाम पे नहाने के लिए। तो रामेश्वर धाम है यहाँ पे सबसे बड़ा, तो वहाँ पे जा रहे हैं नहाने के लिए, गंगा काली नदी बहती है वहाँ पे, तो शुभ माना जाता है उसे। तो नदी सरयू यार, काली नदी कहाँ है पंचेश्वर। तो मम्मी लोग जा रहे हैं रामेश्वर, वहाँ पे ना जो नदी बहती है उसमें नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी बोलते हैं उसको। क्या तो ये तैयार हो गई है मम्मी, चलो मिलाती हूँ मम्मी से, गाड़ी भी खड़ी है नीचे, फिलहाल तो अंदर वही चलते हैं। तो मम्मी जी वहाँ से इधर आने तक निकल गई हैं, वैसे मिली थी मेरे को यहाँ पे, मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये क्या कह रही है उजा, मम्मी आवाज़ जैसी गई ना इसकी, कह रही उजा गई बल, ये बड़ी ज़ोरदार है। तो नाश्ता बनाती हूँ, मम्मी तो करके नहीं गई नाश्ता, मंदिर के लिए कौन नाश्ता करेगा वैसे भी, तो हम बनाते हैं नाश्ता। दोस्तों सुबह के 9 बजे हैं और अभी तक मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, नहाया भी नहीं है, मेरा भाई पहुंच गया है, ये देखो पता नहीं कब उठा होगा, कब आया होगा यहाँ को, कभी इसने नहाया धोया होगा। नहा क्या है? नहा क्या है? तो 9:45 हो रहे हैं, ये इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गया। और मम्मी ने आज क्या भिजवाया मैं दिखाती हूँ, कहाँ रख दिए हैं, मेरी मम्मी ने क्या भिजवाया दिखाती हूँ। ये देखिए सूजी के सिंगल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखो मम्मी बनाती है इनको, और बहन के लिए भी भिजवाए, भिंगराड़ा के लिए मतलब नीरज लेके आया है, वो भिंगराड़ा के लिए भी भिजवाए हैं और बब्बी के लिए भी भिजवाए हैं, देखो बबीता के लिए। मम्मी कितनी अच्छी है मेरी, मम्मी ने सोचा था दोनों लड़कियों के लिए भेज देती हूँ, तो दोनों के ससुराल के लिए भेजे हैं ये पूरी। तो आज ना नाश्ते में मैं यही खाने वाली हूँ, अब मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी अपने लिए, सोच रही थी बनाऊँगी, मेरे को पता नहीं था ये इतनी जल्दी पहुँच जाएगा। तो दूध के साथ खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, इसमें चीनी डाली रहती है मम्मी। चलिए दोस्तों कितने टाइम के बाद आज अनाया के नाम का जो राशन होता है ना वो आ रखा है, गेहूँ और चावल, क्योंकि अनाया बड़ी हो गई है तो इस हिसाब से उसको गेहूँ चावल वाला राशन आ रखा है। तो मैंने थैलियाँ ढूंढ लिए, ये हैं, चलते हैं अनु और मैं राशन कंट्रोल की तरफ चलिए। ये देखिए 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, अरे 2 किलो 700 ग्राम है, अरे सॉरी। कंट्रोल से गेहूँ चावल लाने के बाद ना खाना वाना बनाने की तैयारी करके आ गई हूँ और मम्मी आ गई हैं, वो बना रही हैं चावल और दाल, मुझे भेज दिया गाय के पास क्योंकि वो लेट आई और गाय बेचारी भूखी होंगी, मुझे कहा भी नहीं कि दे के आना, अभी कह रही हैं दे के आ, तो मैं उसके लिए छोटा सा कन्ना लेके गई हूँ जूठा पीठा और साथ में घास डाल के आऊँगी। साथ ही साथ में मौसम भी देख लीजिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है, ना धूप आई है ना बारिश ना बादल, मतलब बादल वाला मौसम, ठंडा ठंडा अच्छा हो रहा है आज मौसम। तो ये देखिए हमारे चारों तरफ ऐसा मौसम हो रहा है, ये देखो बाबा मैं तो यहाँ पानी देने आई थी, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, क्या ही देख लिया मैंने, देखो ये देखो इतना मुस मर रहा है भीतर चीजी, या बिराल मर रहा की छियो क्या तुझे यार, ये कितना बड़ा है जो भी है ये, ओ भाई ये बहुत बड़ा चूहा है दोस्तों, ये देखो मेरा तो आंग बरकी गया है।
बापरे भरान जत्तु मुसमर रो भरान इतनो भगवान के दो। ऐसा होता है ना किसी जीव को देख के खुद ही डर जैसी लगती है, अजीब सा ही होता है। तो मुझे चूहे को देख के होता है ऐसा, वो कैसे फुदक फुदक के जाता है, और मेढक को देख के भी। ये दोनों मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। और वो बाल्टी के अंदर घुस के डूब के मर गया। मम्मी करेंगी उसका, उसके साथ जो भी करेंगी उसको फेंकेंगी, मम्मी फेंकेंगी, मैं नहीं फेंक सकती, मुझे डर लगती है। चलो मैं इसको घास दे देती हूँ, थोड़ा सा हरा घास है, बाकी की चट्टानों से लाई हुई घास है। और ये कुछ अलग टाइप की घास है, ये देखिए शायद ये नल है, जो मडवा होता है ना रागी का आटा, उसकी नल है ये। मम्मी ने संभाल के रखी थी शायद तीनों के ऊपर, तो इसको भी डाल देती हूँ, एक मोटा सूखा घास डाल देती हूँ। मालू खुश है ना, मालू पानी पिएगा, मालू गुजिया खा रही है। तो ये वाले सीजन में ना जो हमारे दुपट्टे के पास रौनके का पेड़ है, उसमें इतने सुंदर फूल खिल के आते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो बहुत ही सुंदर रेड रेड कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं रौनके के पेड़ में, और जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसमें हरी पत्तियाँ कुछ टाइम बाद आएंगी। जोर से जोर से। क्या मिला हमें देखिए, फू करो ना, फू करो, कर दिया मैंने फू। चल दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दुपट्टिया के पास मिल रही हूँ, और वो इसलिए ना क्योंकि मुझे मोतीराज जाना है अपने गांव में। और वो पिछले दिन बरसी वाला ब्लॉग देखा होगा आपने। हेलो, खुश रहो, इसे आना पड़ेगा। बैनी को यहीं छोड़ जाऊँ ना, मैं बैनी को यहीं छोड़ जाऊं? हाँ। बैनी को यहीं छोड़ जाऊं? हाँ। छोड़ जाऊं? हाँ। दोस्तों आज अनाया को ना नए दोस्त मिले हैं, मायरो और शिवांश का वंशु। तो ये इतने मजे से खेल रही है, मैं दिखाती हूँ, ये देखो। ए सरिया छोड़ दो वंशु, अपने गांव में पहुंच गई हूं। और सबसे पहले चलते हैं जहां पे निमंत्रण है। चलिए, वो भी टास्क था इस खेत से हल्दी निकालना, पौधे दिख नहीं देते पर मैंने निकाल के दिखाई। चलो अब ले चल। तो यहां पे ना बुबू और आमा लोग के घर पे आ गई हूं। यहां से चाची लोग को चाहिए बर्मा, जिसको ब्रह्मा देवता बोलते हैं, तो कूस का बना होता है, तो ये इनके पास है, तो ले चलते हैं। चलिए, तो ये हैं ब्रह्मा जी। दोस्तों मोतीराज से आने के बाद मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब घर आके जो भी सब्जी वगैरह बनानी थी वो सब बना दी है। तो यहाँ पे आने के लिए कार्टून लग रखे हैं, नेट खत्म हो गया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है। ये देखो, इसको कार्टून पसंद है इसलिए मैंने कार्टून लगा दिए हैं, वरना ये फोन में शॉर्ट्स देखती है, वो भी बच्चों वाले। और आज हमारी आलू मटर की सब्जी बनी है, जो भाभी देके गई थी मटर, तो वो ही सब्जी आज बन रही है। और फिलहाल मम्मी भी गई हुई है गांव में, चलो किचन में चलती हूँ। और फिर मेरे यहाँ हल्ला आ रहा है मैडम। देखो रात के 11:30 बज गए हैं, मम्मी जी अभी आ रही हैं और खाना बनाया इन्होंने, अब भी जस्ट खा रही हैं। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय सीता मैया की, मम्मी इतनी तक उठी हूँ मैं, तो सो गई थी।